वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स को पूरी दुनिया एक धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जानती है। 1970 और 80 के दशक में रिचर्ड्स के कहर से बड़ा गेंदबाज कांपता दिखाई देता था। वो उस दौर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते थे। अपने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में रिचर्ड्स ने कुल 121 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम 50.23 की औसत से 8,540 रन है। टेस्ट में भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते उन्होंने 24 शतक जमाए। वहीं 187 वनडे में 47 की एवरेज से उनके बल्ले से निकले 6,721 रन। रिचर्ड्स को दुनिया विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में तो जानती है, पर बहुत कम ही लोगों को ये बात पता है कि एक मैच के दौरान वे विकेट कीपिंग करते भी नजर आए थे। दरअसल 1987 में एक एक्सिबिशन मैच के दौरान हाथों में ग्लव्स पहनकर रिचर्ड्स विकेट कीपिंग करते दिखे। ऐसी कोई तस्वीर इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगी, पर कोरोना वायरस की वजह से इस लॉकडाउन के दौरान सुनील गावस्कर ने अपनी पुरानी एल्बम से एक ऐसी ही तस्वीर ढूंढ निकाली और स्पोर्ट्स तक को दी, जिसमें अपने वक्त के धाकड़ बल्लेबाज विव रिचर्ड्स हाथों में बल्ला नहीं ग्लव्स पहने दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।